तो थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। कितना दिया? 500। तो वहाँ पर नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। रेडी हो चुके हैं, दूसरे ड्राइवर साहब भी रेडी हो चुके हैं। हमारा जो ड्राइवर है कौंसर भाई, वो भी बोलता है कि मैं 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुंचता हूं। तो जो ही वो कौंसर भाई आएगा, फिर एंजॉय करेंगे आज दिन को, क्या कहां कहां है, जहां पे नहीं गए वहां भी जाएंगे। तो गोवा में जो है वहां पे कुछ एंजॉय करेंगे, एक दो तीन दिन वहां पे रहेंगे, तो उसके बाद फिर चलते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बनेगा। फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय कराया, गाड़ी रखी, सब कुछ उन्होंने अपने साथ रखा और गाड़ियां वाड़ियां प्रोवाइड की, ड्राइवर प्रोवाइड किया, और हर जगह पे ले गए जहाँ पे मुमकिन नहीं था वहाँ भी लेके गए। तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया यार, बहुत इतना मजा किया मुंबई में यार, पूछो मत। और अब हम निकल रहे हैं आज शाम को गोवा के लिए, क्योंकि शाम को हमारी बस है यहाँ पे 9 बजे। तो 9 बजे का हमने टिकट लिया है कि 9 बजे हमारे बिल्कुल होटल के सामने से हमें बस जो है वो यहीं से निकलती है। 10:25 लगभग होने वाले हैं। शुक्रिया यहाँ पे किरण भाई का, पवार सर का और शशि भाई का, और जितने भी फ्रेंड्स थे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे हमें हॉस्पिटलिटी की और यहाँ पे काफ़ी घुमाया फिराया खिलाया, हालांकि इवन होटल तक यहाँ पे करके दिया, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में हालांकि वो बोलते हैं कि भाई वापस से जब आप गोवा से आओगे तो फिर आपको बैठना है 3-4 दिन मुंबई में। तो फिलहाल अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, फिलहाल अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज हम फ्रेंड है जो उसकी वहाँ पे लंच रखा है उसने, तो उसने कहा कि नहीं भाई लंच जो है वो मेरे पास करना है। तो जब वहाँ चलते हैं, वहाँ भी जाके बैठेंगे और उनके उनसे भी मिलेंगे। तो वो अब कौशर भाई को बोल रहा है कि मैं अभी पहुँच रहा हूँ 5 मिनट में। मैं हूँ कलम बीच में, जो कि ये मुंबई से 68 किलोमीटर दूरी पे है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल समुन्दर मेरे सामने, और इस वक्त जो समुन्दर है ये थोड़ा पीछे चला गया है काफी, तो मैं अभी बढ़ रहा हूँ समुंदर की तरफ, और वहाँ समुंदर की लहरें देखें आप कैसी लहरें। तो एक कलम बीच है, तो हम सुबह के निकले हैं और यहाँ पहुँचे हैं, लगभग हमें 2-3 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, और तो बहुत ही मज़ा है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त। और भाई लोगों ने बोला कि नहीं वहाँ पे जाने का, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो हमने कहा कि शशि भाई हमें तो नहीं पता कलम बीच कहाँ पर है, तो बट शशि भाई ने माना नहीं। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा, हम आगे ज्यादा नहीं जाएंगे, हाँ इतना है कि थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाऊंगा। भाई एक बात तो मैं क्लियर बोलूँगा आपको, अगर आप मुंबई आते हैं तो आप एक दिन में मुंबई नहीं घूम सकते, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम यहाँ पे 5 या 6 दिन और लोकल बंदा आपके साथ यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो काफ़ी फ्रेंड लोग थे जिन्होंने हमें पूरा मुंबई घुमाया, हालांकि हम फिर भी 5 दिन घूमते रहे, हम पूरा नहीं घूम सके। ऐसे तो फेमस 2-3 जगह है जहाँ पे इंसान सेल्फी वेल्फी खींच के चला जाते हैं ना, साइड में जैसे ये मुंबई से 68 किलोमीटर दूर ये बीच, और बीच में यहाँ पे हम आप जा रहे हैं होटल पे, यहाँ पे इस बीच के साइड में एक होटल है, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो हम वहाँ पे लंच वंच करते हैं। हालांकि यहाँ पे इस वक्त 3 बजने वाले हैं, तो अब लंच वंच करके फिर हम उसके बाद यहाँ से वापस निकलते हैं। अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि शशि भाई ने आज शशि भाई का डे था, तो शशि भाई ने छोड़ा नहीं आज हमें। यहाँ पे इस वक्त बहुत मस्त हवा चल रही है, हम ऊपर बैठे हैं और यहाँ से आगे का नज़ारा बिल्कुल, और नाइट को यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे शशि भाई बैठे हैं, रियाज भाई बैठे हैं, दूसरे रियाज भाई बैठे थे, फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे मुंबई की तरफ। शशि भाई ठीक है ना? एकदम, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे। हालांकि लोग आते हैं यहाँ पे, इंडिया गेट वगैरह ताट वगैरह देखे चले गए, बट ये साइडों में जो जगह है ना, ये कोई नहीं देख पाता है। ये जयंती भाई की आंटी हैं, तो ये यहाँ पे सेटल हैं, तो ये हमसे मिलने, इनको एक्चुअली आपने कॉल करा था शशि भाई, शशि भाई ने कॉल करा था मिलने के लिए, तो ये यहाँ पे आ गए हमारे पास, तो इन्होंने बोला कि खाना लेके आए हैं इवन के ये हमारे लिए। तो थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने खाना लाया और हमारे साथ बैठे और कुछ समय बिताया, थैंक यू। ये बम्बे के गाँव हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बॉम्बे में खाली शहर ही है, गांव नहीं है। तो ये देखें आप, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हुई और ये गांव का नज़ारा है। अभी मैं पहुँचा हूँ वाशी में, वाशी में मैं कर रहा हूँ बस का वेट, तो बस यहाँ वाशी से निकलती है गोवा के लिए, तो अभी यहाँ हमारी बस आई नहीं, जो ही बस आई तो हम उसके बाद हम यहाँ से निकल, अभी हम बैठ गए बस में यहाँ गोवा के लिए, तो मैं आपको बस का थोड़ा सा अंदर से नज़ारा दिखा देता हूँ।
बस लगभग निकलने वाली है गोवा के लिए, तो इस पर टाइम लगभग काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे हमें वेट करते हुए। बट बस जो हमें टाइम दिखाया गया था 9:15 पे उस पर तो नहीं आई, बट थोड़ा लेट ही आई। तो ये महाराज जी हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी मूछें देखे कितनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मूछ राजस्थान की है। अच्छा राजस्थान की है, राजस्थान मूछ है। अब राजस्थान के हो, वेरी गुड। अपोजिट में रियाज साहब दोनों बैठे हैं। रियाज साहब क्या हो रहा है? अच्छा क्या मजे है? गोवा गोवा हॉलीडे मनाने जा रहे हो आप? वेल डन। दोनों बैठे हैं यहाँ पे और काफी खुश है सब यहाँ पे, तो गोवा के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही मजा है बस में। अभी हम यहाँ से निकले हैं, सुबह लगभग मुझे लगता है 8-9 बजे हम यहाँ गोवा में पहुँचेंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि पूरी नाइट को बस जो है वो ट्रेवल करेगी। भाई लगभग सुबह के बज गए 8:30, तो हम लोग बिल्कुल सोए रहे और उठे, नीचे उतरे और चाय वाय पी। अब आप देख सकते हैं बाहर धूप पूरी अच्छी तरह से खिली हुई है और काफ़ी गर्मी है बाहर से, क्योंकि अंदर तो हम एसी गाड़ी में बैठे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1.5 घंटा हमें लगेगा लगभग हम गोवा तक पहुंचने में। वेलकम टू गोवा जी, हम गोवा पहुंच गए, लगभग 12 बज गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बस स्टैंड में यहाँ पे उतरे हैं, तो अब हम टैक्सी को देख रहे हैं। फाइनली टैक्सी कर ली हम, 500 कितना दिया, 500। हम टैक्सी में बैठ के यहाँ पे वागा कलंगूट, तो यहाँ पे रियाज साहब बैठे, रियाज साहब आगे बैठे, तो हम यहाँ से निकले अभी बस पे उतरे। यहाँ पे पूरी नाइट बस चली है, लगभग यहाँ पे पौने 12 बजे यहाँ पे, 12:15 बजे यहाँ पे बस पहुँची हमारी। अब हम यहाँ से निकले और हम सीधा जा रहे हैं बागा बीच की तरफ, वहीं पे होटल करेंगे, तो वहीं पर नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो फिलहाल हम निकलते हैं। फाइनली हम यहाँ गोवा में पहुँच के और कलंगूट के बिल्कुल बीच के सामने यहाँ पे हमने यहाँ पे होटल किया, और अब हम चलते हैं होटल में और होटल का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, ये बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे, होटल का अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं अंदर होटल में आपको अपना रूम दिखाने के लिए। ये है ये हमारा रूम, यहाँ पे 3 रूम है, 3 बेड है, यहाँ पे टेलीविजन है, फ्रिज है, सब कुछ, और यहाँ से बाहर का नज़ारा आप ले सकते इस साइड से, और इस साइड से पूरा आप नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं हर साइड से। तो बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा रूम किया हमने, हालांकि थोड़ा कॉस्टली पड़ा। और मैं आपको इसमें इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, ये इसका वॉशरूम है। तो फिलहाल AC सब, पंखा वंखा सब है इसके अंदर। तो फिलहाल यहाँ पे गर्मी बहुत है, पसीना देखो, कल से हमने नहाया भी नहीं है अच्छे से, अभी हम नहा वहा के फ्रेश हो जाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, तो होके फिर उसके बाद हम निकलते हैं बाहर। तब तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। कि आई लव यू गोवा, और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, और रियाज साहब मेरे सामने घूम रहे हैं, और ये गोवा का पूरा नज़ारा है। मैं आपको आगे समुंदर तक भी ले जाऊँगा।